नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज इस बेसिक की सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं ईमेल। ईमेल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप काम करते हैं सबसे पहले हम समझ लेते हैं ईमेल है क्या। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, मैसेज इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, मतलब जो भी मैसेज हमें पहुंचाना है अपनी सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब जहां पे हम बैठे हैं। अगर हमें किसी को ईमेल भेजनी है, मतलब किसी को अपनी थॉट पहुंचानी है थ्रू ईमेल, पहले हम लोगों ने देखा था कि जब भी हमें अपनी थॉट पहुंचानी होती थी अपने परिजन के पास, अपने दोस्तों के पास, अपने जानने वालों के पास, तो हम क्या करते थे, पहले लेटर लिखते थे, हैंड राइटिंग लिखते थे और उसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसे भेजा जाता था। उसमें बहुत दिनों लग जाते थे, मतलब 2 4 दिन, डिपेंड्स अपॉन कि कितनी दूरी है, इतना टाइम लग जाता था। अभी क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आया, कंप्यूटर का जमाना आया, तो ईमेल चला। ईमेल क्या होता है, ईमेल के थ्रू हम विद इन सेकेंड अपने मैसेज को राइट करके किसी को भेज सकते हैं। तो आज हम ईमेल के विषय में पढ़ने वाले हैं कि ईमेल क्या चीज है, ये वर्क कैसे करता है, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम इस क्लास में थियरी देखेंगे ईमेल के विषय में, और इसके बाद की जो क्लासेस होगी वो टोटल ईमेल की प्रैक्टिस, टोटल प्रैक्टिकल और कॉन्फिगर करके दिखाऊंगा। तो आज हम थियरी पार्ट पढ़ेंगे टोटल इसके विषय में। तो ईमेल क्या होता है, सबसे पहले आप देख रहे होंगे दो बॉक्स मैंने बनाया है। दो बॉक्स के पहले हम कुछ और चीजें देखेंगे कि इसमें यूज क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, कौन से सर्विसेज यूज होती हैं। जैसा कि हमें पता है ईमेल के केस में हम ईमेल सेंड करते हैं और वहां से किसी ईमेल को हम रिसीव भी करते हैं, तो इसमें दो तरह की सर्विसेज यूज होती हैं। एक होती है पॉप, POP, पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस, जैसे कि पहले वाला पोस्ट ऑफिस हमारा था, वैसे ही ये है पोस्ट ऑफिस, मतलब तो फर्स्ट प्रोटोकॉल है, फर्स्ट कंपोनेंट है हमारा POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये जो 3 लगा है ये वर्जन होता है, वर्जन 2 भी होता है। ठीक है, तो 3 लगा मतलब कि POP3 वर्जन 3 है। तो ये क्या काम करता है, ये काम करता है आपके ईमेल को रिसीव करने के लिए। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एक ईमेल को रिसीव करने के लिए काम करता है। जब भी कोई मेल आपको भेजता है आपके एड्रेस पे, जैसा कि आपको पता है जैसे ईमेल का जो एड्रेस होता है, जैसे याहू प्रोवाइड करता है, जीमेल प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे के सारे प्रोवाइड करते हैं। इवन अगर आपका पर्सनल डोमेन है तो आप अपने पर्सनल डोमेन के थ्रू अपना ईमेल आईडी क्रिएट करा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको पब्लिकली लेनी है तो जीमेल पे आके जाके आप क्रिएट कर सकते हैं, फ्री है, याहू पे कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे कर सकते हैं। तो ये सारे ईमेल होते हैं। ईमेल का जो एड्रेस होता है लुक लाइक दिस, लाइक ABC.com, ये अगर डोमेन है तो इसकी जो ईमेल आईडी बनेगी, इसकी ईमेल आईडी बनेगी sunil@abc.com। करेक्ट, अगर जीमेल डोमेन है तो उसकी आईडी बनेगी sunil@gmail.com। तो जो भी डोमेन होगा उसके आगे आपका नाम या आपका डेट ऑफ बर्थ, वट एवर जो भी आप चाहते हैं वैसे लगा के उसको कॉन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ,
पॉप थ्री का काम होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए, ईमेल रिसीविंग, ये ईमेल रिसीविंग के लिए होता है। एक और ईमेल रिसीविंग के लिए होता है आईमैन, आईमैन इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब दोनों रिसीविंग का काम करते हैं, तो इनों में, इन दोनों में क्या डिफरेंट है? अगर दोनों ही रिसीविंग का काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, अदरवाइज दो दो को रखने का क्या मतलब है? तो अगर आप पॉप थ्री कॉन्फिगर करते हैं तो ये क्या करता है, पॉप थ्री के केस में जो भी आपकी ईमेल है, जो ईमेल सर्वर पे है, करेक्ट, जो सर्वर पे ईमेल है, ये डायरेक्टली आपको मूव करके आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे इसे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे आपने कॉन्फ़िगर किया है, जैसे लैपटॉप पे किया है या टैबलेट पे किया है या डेस्कटॉप पे किया है, वो डायरेक्टली आपको मूव करके, ईमेल सर्वर से मूव करके आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे उसे रिसीव कर देगा। आईमैप के केस में क्या है, बट आईमैप के केस में क्या होता है, आईमैप के केस में एक कॉपी आपके सर्वर पे रहेगी, दूसरी कॉपी आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे रहेगी। तो आईमैप के केस में क्या होता है, जो भी आपका इनबॉक्स पर रहेगा, हमारे ईमेल सर्वर के इनबॉक्स से जस्ट वो सिंक करेगा, सिंक करता रहता है, मतलब जो भी मेल आई, मेल आने के बाद सबसे पहले आपके ईमेल सर्वर पे स्टोर होगी, वहां से जो जहां भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है, चाहे लैपटॉप पे चाहे डेस्कटॉप पे, आईमैप क्या करेगा, वहां से जो न्यू मेल आई है उसको सिंक कर लेगा, सिंक करके आपको शो कर देगा आपके डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे जहां पे भी आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है। आई होप यू क्लियर क्लियर माई पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया हमारा रिसीविंग के लिए कि हमारा ईमेल रिसीविंग करेगा। अब रिसीव कर रहा है तो कोई ना कोई सेंड भी करेगा। अब सेंड के लिए हमारा यूज होता है SMTP, SMTP प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आपकी मेल को, मान लीजिए आपने ईमेल क्रिएट करा और किसी को सेंड करना है, भेजना है, तो ये सिंपल उस मेल को डेस्टिनेशन तक भेजने का काम करता है, और जितने भी ईमेल होते हैं उनको रिसिपिएंट बोलते हैं, रिसिपिएंट्स। तो जब भी हम मैं बात करूं रिसिपिएंट की, आप लोग समझना कि कोई ईमेल की बात हो रही है, ईमेल एड्रेस की बात हो रही है। ठीक है, ये तीन हमारे जो सर्विसेज है, प्रोटोकॉल है, वो यूज होते हैं हमारे ईमेल में, करेक्ट। तो पॉप थ्री का जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है, पॉप थ्री जो डिफॉल्ट पोर्ट पे काम करता है, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने बताया था, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं एक पर्टिकुलर यूनिक पोर्ट पे काम करते हैं। तो पॉप थ्री, पॉप का जो पोर्ट होता है 110, आईमैप 143 या 993, ये दोनों होते हैं। एसएमटीपी का पोर्ट होता है 25, सॉरी 25। तो ये जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं अपने एक सेटअप रूल की तरह काम करते हैं, एक बाउंडेशन में काम करते हैं और ये यूनिक पोर्ट पे काम करते हैं।
तो जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं हर किसी का एक अपना पोर्ट होता है, उसी पोर्ट पे वो काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो ये हमने देखा कि ईमेल के कौन कौन से कंपोनेंट है। अब हम देखते हैं जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो क्या प्रोसेस होता है। जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो सबसे पहले हमारी जो ईमेल है वो रिले के पास जाती है, ईमेल रिले सर्वर। रिले सर्वर वो होता है जहां से हमारी डिलीवरी होती है या सेंडिंग होती है। जब भी कोई हमें ईमेल भेजता है या हम किसी को मेल भेजते हैं तो सबसे पहले रिले सर्वर के पास जाती है। रिले सर्वर के पास जाकर उसकी चेकिंग होती है कि ये जो पर्टिकुलर ईमेल है, जो रिसिपिएंट डाला हुआ है, वो प्रॉपर एड्रेस है या नहीं है, इस ईमेल बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई स्पैमिंग मैसेज तो नहीं है, जो हमने अटैचमेंट करी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ये सारी चेकिंग होती है हमारे ईमेल गेटवे रिले के पास। उसके बाद वहां से रिलेट किया जाती है पर्टिकुलर डोमेन के पास, पर्टिकुलर डोमेन के ईमेल सर्वर के पास जाती है, फिर वहां से डिलीवर हो जाती है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट कि रिले सर्वर क्या होता है। रिले तो रिले का क्या, हमने देखिए इसके नाम से समझ में आ रहा है कि रिले मतलब रिलेट करना, रिले करना, वहां से रिलीज करना पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के पास, ये होता है रिले सर्वर, हमारा ईमेल रिले सर्वर। ओके, यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब हम देखते हैं जब भी हम ईमेल भेजते हैं तो वहां पे कौन कौन से मैसेज, कौन कौन से टॉपिक्स हमें मिलते हैं, कौन कौन से टैब्स मिलते हैं। तो जब भी हम ईमेल क्रिएट करते हैं तो वहां पे लिखा होता है एक टू सीसी बीसीसी, इनका क्या मतलब है, और एक होता है ईमेल बॉडी। तो टू का जो मैसेज है, टू का मैसेज है कि जैसे मैं कुछ ईमेल आईडी लिख लेता हूं, जैसे a@gmail.com, b@gmail.com, c@gmail.com, करेक्ट। ये तीन ईमेल आईडी हमारे पास है। इन तीनों का एग्जांपल लेकर मैं आप लोगों को समझाऊं कि टू क्या होता है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है और बॉडी क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, टू का मतलब कि हम जिसको भेजना चाहते हैं, जिसको भेजना चाहते हैं। मान लीजिए मैं सी को एक ईमेल भेजना चाहता हूं, तो सी कहां आएगा, यहां पे आएगा c@gmail.com। सी के अलावा अगर हम बी को भी भेजना चाहते हैं या ए को भी भेजना चाहते हैं तो सेम इसी में लिखेंगे हम a@gmail.com, करेक्ट। सी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने फोटो कॉपी निकलवाई होगी या कार्बन रख के उस पर नोट डाउन किया होगा कुछ समथिंग, ठीक है। तो कार्बन के केस में क्या होता है, जो ओरिजिनल होता है वो तो हमारा ओरिजिनल होता ही है, उसके बाद जो कार्बन कॉपी बनती है वो हो जाती है डुप्लीकेट से इन सेंस की जो आपने ये टू में भेजा है, सेम आप जो एड्रेस डालेंगे सीसी के अंदर तो वो हो जाएगा। जैसे मैंने अभी ए रख दिया, यहां पर रख दिया b@gmail.com, तो ये हो गया कार्बन कॉपी। तो टू में आप, इससे जाहिर हो रहा है कि जो आप मेल भेज रहे हैं प्रायोरिटी पे ये पर्सन है, टू वाले पर्सन है, और सीसी में हमने जस्ट रख लिया सिर्फ उसको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हमने इन पर्सन को हमने मेल करी हुई है।
तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है b@gmail.com, ठीक है। तो जो कार्बन कॉपी होती है हमारी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है जितना कि हमारी ओरिजिनल कॉपी। ऐसे ही सेम केस में टू जो है ये ओरिजिनल पर्सन है जिनको हम एग्जैक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं। सी में हम उनको रखते हैं कि हम इस पर्सन को भी बता दे कि हमने इनको मेल करी हुई है। अब बीसीसी क्या होता है? बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। ब्लैंक कार्बन कॉपी मतलब दिखे ना। अब मैं चाहता हूं इनको तो मेल कर दिया मैंने और इनको बता दिया कि भाई हमने आपको मेल कर दिया है, ठीक है। अब कार्बन कॉपी क्या होती है, और सॉरी ब्लैंक कार्बन कॉपी, यहां पे मैंने मान लीजिए कि d@gmail.com, जी जो डी है हमारे हैं एमडी सपोज या मैनेजर, या कोई ऐसे इंपोर्टेंट पर्सन है जिनको मैं इन लोगों को नहीं दिखाना चाहता कि मैंने डी को भी मेल भेजी है d@gmail, ठीक है। ब्लैंक कार्बन कॉपी मतलब कि ब्लैंक मतलब अंधा। तो मैंने इनको मेल भेजी इसलिए सो दैट कि ये भी जान पाए कि हमने इन लोगों को मेल भेजी है, बट ये लोग ना समझ पाए कि हमने इनको भी मेल भेजी है। आप समझ रहे हैं? हमारे एमडी तो समझ जाएंगे कि हमने किन किन पर्सन, ए को भेजा है, सी को भेजा है और बी को भी भेजा है, बट बी ए सी नहीं समझ पाएंगे कि हमने डी को भी भेजा है मेल। मतलब क्या हुआ, ये ब्लैंक होगी, मेल तो इनको भी मिलेगी बट ये लोगों को, इन लोगों को पता नहीं लगेगा कि हमने डी को भी मेल भेजी हुई है, बट डी को पता लग जाएगा कि हमने सी ए बी को मेल भेजी हुई है। दैट इज कॉल्ड कार्बन कॉपी, ब्लैंक कार्बन कॉपी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ईमेल बॉडी। अब ईमेल बॉडी में क्या होता है, ईमेल बॉडी में हम अपना मैटर लिखते हैं, मैटर टाइप करते हैं कि क्या हम इन लोगों के पास भेजना चाह रहे हैं, कौन सा ऐसा मैटर है जो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मैं इन लोगों को बताना चाहता हूँ। तो ईमेल में हम जो भी है, ईमेल बॉडी में हम अपना मैटर टाइप करते हैं, मैटर लिखते हैं। ये होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब कि, सिग्नेचर मतलब कि अपनी आइडेंटिफिकेशन बताना कि मैं कौन हूं, मैं XYZ, मेरा एड्रेस है सो एंड सो, मेरा मोबाइल नंबर है सो एंड सो, ठीक है, और मेरी कंपनी नेम है सो एंड सो सो एंड सो। तो मैं अपने विषय में बताना चाह रहा हूँ इन लोगों को कि मैं कौन हूँ, मेरी कंपनी का नाम क्या है, मेरी आइडेंटिफिकेशन क्या है, सो दैट कि अगर इनको रिक्वायरमेंट हो तो मेरे को ईमेल भेज सकें, कांटेक्ट कर सकें, व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड वहां सिग्नेचर में हम डालते हैं, ठीक है। इसके बाद और कुछ ईमेल में आता नहीं है। अच्छा एक चीज हो, जब भी हमारी ईमेल आती है और स्टोर होती है, बाय डिफॉल्ट स्टोर होती है इनबॉक्स के अंदर, जो ईमेल आई है हमारी इनबॉक्स के अंदर स्टोर होगी। एक होता है सेंट आइटम, सेंट 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 आइटम में वो मेल मेल स्टोर होती है जो हमने ईमेल सेंड करी है, ईमेल सेंड करी है, इनबॉक्स में इनकमिंग मेल आएगी, इन इनकमिंग ईमेल, ठीक है।
हैंड राइटिंग को आप पे आप मत जाइएगा, मैं क्या बोल रहा हूं उसको गौर कीजिएगा, ठीक है। तो इनबॉक्स में वो मेल होती है जो हमारे हमें रिसीव हुई है, सेंट आइटम में वो मेल स्टोर होती है जो हमने भेजी है। एक होता है डिलीट आइटम, ये सारा कुछ मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा आप लोगों को। डिलीट आइटम में वो होती है, सपोज मेरे पास कुछ मेल आई है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, फालतू को हमारे इनबॉक्स में पड़ी है, उनको क्या करूंगा मैं, डिलीट करूंगा। डिलीट करते ही वो हमारी डिलीट आइटम में आ जाएंगे, डिलीटेड ईमेल। इसमें क्या आएंगे, डिलीटेड ईमेल इस फोल्डर में। ये पर्टिकुलर एक एक फोल्डर होते हैं, हालांकि हम एक्स्ट्रा फोल्डर भी बना सकते हैं, बट ये बाय डिफॉल्ट बने हुए फोल्डर होते हैं। स्पैम, अब स्पैम मैसेज क्या होता है, अनवांटेड ईमेल होती है, अनवांटेड ईमेल। स्पैम मैसेज क्या होता है, जैसे कि मार्केटिंग, बहुत सारी मार्केटिंग कंपनियां हैं जो कि ईमेल ब्रॉडकास्ट करती रहती हैं, भेजती रहती हैं, जो कि हर किसी की मैक्सिमम लोगों, जिसके जितने लोगों का ईमेल आईडी उनके पास होगा उनको हम उनको भेज देंगे अपने प्रमोशन के लिए, या बहुत सारे ऐसे स्पैमिंग मैसेज होते हैं जैसे कि थ्रेट मैसेज या हैकिंग मैसेज, जो कि हमारे सबसे पहले क्या होती है, जब वो भेजेंगे ईमेल तो हमारे ईमेल सर्वर के पास जाएगी, रिले सर्वर के पास, रिले सर्वर उसे चेक करेगा कि ये जो मैसेज है ये एक्चुअली वेरीफाइड है या नहीं है। तो जब वेरीफाइड मैसेज नहीं होगा तो वो क्या करेगा, हमारे इनबॉक्स में ना रह जाकर उसको स्पैम मैसेज में डाल देगा, स्पैम फोल्डर में डाल देगा। और जनरली जो यूजर्स होते हैं स्पैम फोल्डर को चेक नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई हमारा जो ईमेल सर्वर वो स्पैम फोल्डर में डाल देगा। आप चाहे तो उसको डिलीट कर दें, वैसे स्पैम फोल्डर को नॉर्मली हम डिलीट ही कर देते हैं, तो जो भी अनवांटेड ईमेल आती है वो हमारे स्पैम फोल्डर में आती है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज होती है, ये ईमेल बॉडी होती है, यहां पे एक होता है अटैचमेंट, अटैच्ड, अटैच्ड ईमेल क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने कुछ मैटर लिखा, मैटर के साथ साथ हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि वर्ड के हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, पीडीएफ के या टेक्स्ट के हैं, उनको भी मैं ईमेल के साथ अटैच करके अगर भेजना चाहता हूं तो उससे बोलते हैं अटैच्ड डॉक्यूमेंट। तो ईमेल में हमारी सारी जो इंफॉर्मेशन है बस इतनी ही इंफॉर्मेशन होती है ईमेल के केस में। इससे रिलेटेड आप लोगों की कुछ क्वेरीज है तो जरूर आप पूछिएगा, डेफिनेटली आई विल आंसर यू। तो आई थिंक इसी के साथ हम इस क्लास को वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक ऐसे सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।